भैया कुंभकर्ण के लिए हमारे मटके तैयार करे जा रहे हैं रोहित। अभी हम आपको कुंभकर्ण के रोल में देखने वाले हैं। राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। हेलो गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल है आप लोगों के। मैं बहुत सही एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, मेरी और मेरे क्लब की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा दशहरा की शुभकामनाएं, जय शंकर की। तो आज है हमारे रामलीला का आखिरी दिन, मतलब 10वां दिन, और कल जो हमारे रामलीला में होएगा वो होएगा भरत मिलाप। आज का मैं बता दूँ, आज सबसे ज़्यादा जो सीन होने वाला है वो होएगा पहले कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध, और फिर एंड में रावण वध, और फिर जलाए जाएंगे हमारे पुतले। पुतले दिखाओ गौतम भाई, ये देखो हमारे पुतले लग के सारे खड़े हो गए भाई साहब, इन सब में आग लगेगी रात को, बहुत मजा आने वाला है। और अभी फिलहाल सिर्फ तैयारी चल रही है, आज की लीला थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि कल आज बहुत सारे ज़्यादा सीन दिखाने वाले हैं, तो बहुत जल्दी तैयारी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है आज की लीला। और आज की लीला बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत बढ़िया बढ़िया सीन आने वाले हैं। वो देखो मैं दिखाता हूँ, वो हमारे सतपाल अंकल बैठे हुए हैं, आज ये दिखेंगे आपको आपके फेवरेट कुंभकर्ण के रोल में। अभी चाके इनसे मिलवाते हैं आपको, आ जाओ। अंकल जी नमस्ते जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। तो आज भी हम आपको कुंभकर्ण के रोल में देखने वाले हैं। तो मटके उठ के तैयारी नहीं चल रही आज उसकी? सब है। चलो बहुत सही है, लास्ट टाइम जैसे देखा था इस टाइम भी बहुत बढ़िया रोल होने वाला है अंकल जी का, पूरा रोल दिखाऊंगा देखना, बहुत मजा आने वाला है। सही है अंकल जी? बहुत बढ़िया। तो भैया कुंभकर्ण के लिए हमारे मटके तैयार करे जा रहे हैं, रोहित भाई हेल्प कर रहे हैं इसमें, और पारू लगा हुआ है हेल्प करने के लिए। सर पे फोड़े जाएंगे ये, पहले कमजोर किया जा रहा है इनको ताकि लगे ना किसी के सर पे। जैसे राम दोस्तों, मैं तो अपना रेडी हो गया, देख लो मेरा गेटअप, मैं आपको एक ब्रेक का चीज दिखाता हूँ, देखो किस तरीके से हमारे कुंभकर्ण जी का मेकअप हो रहा है, पूरा देखना, बहुत तगड़ा मेकअप होने वाला है। कुंभकर्ण का मेकअप चल रहा है और वो अतुल भाई टाइम लैप्स बना रहा है जो आप देखते हो मेरे व्लॉग में। तो भाई बहुत मेहनत लगती है व्लॉगिंग में, ऐसा नहीं है ऐसे ही बन जाता है। ये वानर सेना देख लो, बहुत मेहनत लगती है व्लॉगिंग में, दो दो तीन तीन कैमरे, एक कैमरा यहाँ एक कैमरा बाहर पब्लिक में है, तो बहुत मेहनत लगती है भाई, सब्सक्राइब कर देना। ये रुद्र भैया, इन्होंने भी पिछले 5 साल से विभीषण का रोल कर रहे थे, इस साल मैं कर रहा हूँ इनका रोल, और इन्होंने भी बहुत मतलब बहुत बताया मुझे कि ऐसे करना ऐसे करना, बहुत सिखाया इसने भी। और मिलवाता हूँ ये लुक्का, लुक्का भाई भी तुझे हर जगह, आप सबको हर जगह दिख जाएगा। तेज की बोल, जय शंकर की, बोल जय शंकर की। अबे तू हनुमान जी का सरमार है भाई, अबे तू बनाया तो बोल, अब ऊपर स्टेज पे नहीं बोलेगा, बोल जय शंकर की। नहीं मना कर रहा है भाई, दिखा मेकअप वालों की भाई, भीड़ लगी पड़ी है मेकअप के, वहाँ इतना करो ये करो वो करो ये करो, अभी पूरी सेना बाकी है, नीचे बड़ी सेना है अभी, अभी पूरी सेना बाकी है, इनकी भी लाइन लगी रहती है। आशीष भाई है वो हमारा, रोहित भाई लगा हुआ है दोनों, ये भी बहुत सही मेकअप करते हैं भाई साहब, लगे रहते हैं ये भी भाई दोनों के, दोनों यही दोनों है जो इन सबको तैयार करते हैं, हम सबको तैयार करते हैं। ये सारी वानर सेना, ये हमारे रावण जी बैठे हुए हैं, सिर्फ विग लगनी बाकी और मुकुट लगना बाकी है। जय शंकर के अंकल जी, जय शंकर के भाई, गेटअप आता है बढ़िया वाला। हेलो भैया कैसे हो? हेलो। तो ये हमारे ललित भैया है, ये हमारे पहले मंडली में कलाकारी करते थे, किस किस का पात्र निभा रखा भैया आपने? मैंने भैया सबसे पहले मैंने विभीषण का रोल किया, इन्होंने मुझे बहुत बताया विभीषण के बारे में, उसके बाद फिर मैंने 1 साल भरत का रोल किया, फिर मैंने 4-5 साल लक्ष्मण का रोल किया, लक्ष्मण का रोल देखा था मैंने आपका, मैं
अही रावण का रोल करने जा रहा हूँ। मजा आ जाएगा भाई साहब। ये सारे हमारा हन्नू क्या हाल है, मेकअप करा ले फटाफट जल्दी जल्दी, अगला ही सीन है। ये हमारे भैया राम बैठे हैं, जय श्री राम भैया क्या हाल है, रेडियो सीन के लिए। और ये सेजू, सेजू हाय, ये भी भाई आ गया। कौन है ये? ये भाई विवान है हमारे राम जी, अंकित भाई का भांजा। कैसे हो? अच्छा। व्लॉग देखते हो? बढ़िया लगते हैं। सेजू को भी दिखाना, इसने नहीं देखे अभी तक, अभी आएगी ना व्लॉग में, ये भी देखेगी। अच्छा देखे है, वो डांस वाला देखा था तूने? बहुत बढ़िया। ये हमारे सुग्रीव जी बैठे हैं। अंकल जी नमस्ते, कैसे हो? बस अंकल जी एकदम, सबसे पहले सबसे प्यारी बात ये लगती है, सबसे पहले तैयार हो जाते हैं भाई साहब, जिम्मेवारी समझते हैं, सबसे पहले आगे तैयार हो जाते हैं और हमेशा गेटअप में रेडी रहते हैं। ये हमारा हेमंत भाई, ये भी कई सारे पात्र निभाता है यहाँ पे, लाइक कलाकारी कर लिया, मैनेजमेंट में, ड्रेस मैनी में, बहुत सारी चीजें करता भाई। तू क्या मेरी ताप लाएगा? बस हो जाएगा जो भी मुझसे नजरे मिलाएगा भाई, सारे कलाकारी में। ये देखो मंजस क्या हाल है, बढ़िया। जय नाक कटी लगती हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ, बता बहन सुख लगे ये कैसा घमासान हुआ, किसने तेरी नाक है काटी, कौन है वो दुष्ट प्राणी। ये सेरू चाचा हमारा जामन करोल में, ये पहनू ना? बढ़िया। रोहित मांग रहा था आपसे, रोहित को दी नहीं तुम्हें ड्रेस है? रोहित को दे दो ये ड्रेस उतार के, रोहित कह रहा था मैं पहनूंगा। तो भाई कुंभकर्ण जी तैयार हो चुके हैं, अब अगला सीन आप देखोगे कि रावण जी कुंभकर्ण के पास जाएंगे उनको बोलने के लिए कि भैया उठो, अब अगला कुंभकर्ण को उठाने का सीन होने वाला है, तो जो मटके उठ के फोड़े जाएंगे बहुत बढ़िया सीन होने वाला है, स्किप मत करना, पूरा पूरा सीन देखना ठीक है। तो अभी देखो ये कुंभकर्ण की एंट्री हो रही है, यहाँ से ये घुस गए अंदर। ये देखो ये जा रहे कुंभकर्ण जी, जाके लेट जाएंगे हम अंदर, बहुत बढ़िया सीन होने वाला है ये, बहुत सही। जागा देखी
जानकी को सत्कार पूर्वक वापस लौटा दो और लंका को तबाही से बचा लो। तुम मेरे बड़े भाई हो, मां बलवान हो, मुझे तुम्हारे बल पर पूरा विश्वास है। क्या मैं यहां से निराश होकर लौट जाऊं? ठहरो भैया ठहरो, मैं उनसे युद्ध करूंगा। यह नन्ही सी उम्र और इतना साहस, नन्हे से बालक और कौन पुकार से युद्ध, आज कर उड़कर बाल पकड़ने चला है। एक छोटी सी चींटी शेष में लड़ने चली है। अरे अधर्मी, इतने अभिमान में मत आ, जरा भार आ और हाथ बढ़ाकर दिखा। ओ, तुझे हाथ दिखाने को तो बच्चों के युद्ध को समझ लिया। क्या कौन मकान की कायर छुटिया? वीर और कायर की परीक्षा तो अभी हो जाएगी कुंभकर्ण। तू नहीं जानता, साहसी पुरुष कहते नहीं करते हैं, गरजने वाले बादल बहुत कम बरसते हैं। कर्म के कच्चे है वही जो बातें बनाया करते हैं, कर्म के कठिन है वही जो जिभिया चलाया करते हैं। कर्म का करना कठिन और कहना आसान है, कायरों में बस यही तुम्हारी ही पहचान है। इनसे बातें करने से पहले खुद से युद्ध करो। ओ वाला, तुम कौन हो? लंका की जली हुई दीवारों से पूछो, उजड़ी हुई आसाम बंदिगर से पूछो, और तो अक्षय कुमार की आत्मा से पूछो। ओ वानर के बच्चे, विजय तो निराशा के अंधकार में ही होती है। मैं आज लंका के वीरों का बदला
दिखाया। आपने देखा मैंने किस तरह अपने बड़े भाई कुंभकर्ण को मरवा दिया, बहुत गालियां पड़ने लग रही है। अंकल जी ने आते ही गुद्दी पकड़ ली, कुलनासी विभीषण तेरी वजह से मराऊ मैं, बट भगवान ने लिखा हुआ था तो मरना तो मरना ही था। तो अभी अगला युद्ध, अगला सीन जो होने वाला है मेघनाथ के यज्ञ का होने वाला है, उसमें भी मैं जाके बताऊंगा राम जी को कि भाई युद्ध यज्ञ सफल मत होने दो। और ये मेरा भाई है, ये भी शूट कर रहे हैं वीडियो, इसके बदौलत भी बहुत सारी ब्लॉग्स आप देख पा रहे हो। अगले साल ये पेड़ में हो जाएगा मेरे साथ, अगले साल पूरी पेड़ वीडियोस बनाया मेरे साथ। अगले साल मेरा ये सब शूट कर रहा है, पेड़ हो जाएगा। पेड़ कहने वाले पहले गैजेट लिया। ठीक है भाई, अगले साल तक अपना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो इसको मैं दे दूंगा, आप सैलरी पे रखो मैं 10 दिन के लिए। नहीं नहीं बस, और बाकी भाई है, ये आसिफ भाई खड़ा है अपना मजे वाला। जय शंकर की। तो भैया हमारे मेघनाथ जी अभी तैयार हो रहे हैं, इनका अगला सीन होने वाला है हवन कुंड वाला, बहुत बढ़िया सीन जाता है हवन कुंड वाला। जय शंकर की। जय शंकर की। बढ़िया जाएगा ना जगह भाई, ये वाला सीन भी बहुत बढ़िया, बहुत मजा आने वाला है भाई। गेटअप देख लो भाई का, पूरा एक नंबर का लग रहा है भाई साहब, एक नंबर का। आज उस रजमन को
पास भेज दूंगा। ध्यान रहे, राम जगत कोई भी होता इस यज्ञ को खंडित नहीं कर पाए। जाओ चलो तब निकलती सब चल है। जाओ तो चल से
मुझ पर एक महान संकट आया है, इसलिए मैंने तुम्हें याद किया है। आज्ञा कीजिए भ्राता श्री। अयोध्या में जब बदला लेने गए तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। जब उन्होंने बहुत उत्पात मचाया तो राम की पत्नी सीता का हरण कर लाया गया। उन वनवासियों ने केशकंदा नगरी के वानरों की सहायता से लंका पर आक्रमण कर दिया। लंका के सभी योद्धा मारे गए, बस मैं ही बचा हूं। भ्राता जी, जो शक्ति इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मार सकती है वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। भैया, मैंने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें अपनी सहायता के लिए बुलाया है। भ्राता जी, जो मेरा फर्ज था वो मैंने, परंतु मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। भैया हे रावण, मेरी आज्ञा है कि तुम रामदल में जाओ, तुम भेष बदलने में माहिर हो, वहां जाकर विभीषण का भेष बदल लेना और पूरी सेना का निरीक्षण करना, और जैसे ही तुम्हारा मौका लगे तुम राम लक्ष्मण को उठाकर पाताल लोक ले जाना और वहां उनकी देवी की बलि चढ़ा देना। जैसी आज्ञा भ्राता श्री। या फिर उसे मौत के घाट उतारा जाएगा। महाराज रावण बड़ा धर्मी है, वह कभी सीधी तरह नहीं मानेगा। जो भी होगा देखा जाएगा, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। महाराज पानसरा थक चुकी है, अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अरे मैं रामदल में कैसे जाऊं? यहां तो इस बाला ने बड़ा केड़ा बना दे रखा है, कुछ ना कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। याद आया, मैं विभीषण का रूप लेकर रामदल में जाता हूं। देखिए दृष्टि को भ्रम ना करें। हनुमान जी, आप अभी तक जाग रहे हो? आप इतने समय से आप कहां थे? मैं स्नान करने के लिए गया हुआ था। हनुमान जी,
ऐसा प्रतीत होता है। पूरब की दिशा में कुछ राक्षस हमला कर रहे हैं, आप वहां जाकर एक बार देखिए। मैं यहां पर कह देता हूं, कैसे आगे नीतीशन जी हमारी बहुएं आपकी भाइया आम सभी के बीच में हो रही है। नौ के ग्रामों में भी अपनी आतिशबाजियां शुरू करती है। नौ छोटर आतिशबाजियां नौ के ग्रामों की तरफ से आम सभी के बीच में। जय श्री राम। ओम पाशा, ओम पाशा। हनुमान जी आप कहां थे? प्रभु राम और लक्ष्मण यहां नहीं है। ये जब मेरे यहाँ दरकार है हम आपके लिए यही करते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। इस प्रकार महाबली हनुमान जी आपको पता लोग जाना होगा और वहां से प्रभु राम और लक्ष्मण को छुड़ाकर लाना होगा। आप आरत मुझे ही जाने दो, स्वामी चाहे जहां भी हो मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा।
ये है कम कैमरी पहचान इसे देख देना है तेरे दिल का बलिदान पहचान इसे देख ले देगा तेरे प्राण पहचान इसे देख आंखों के सामने है पर ध्यान से देख ये नापाक आवाज कहां से आ रही है ये तेरा कल है जय श्री राम बहुत बहुत तालियां सकता नहीं रावण जी मर जाएंगे आज ओ परवाजे
आपको मैं पार दूंगा तक और समय को चुनवाऊंगा कुछ को चाय चढ़े विजय करके दिखलाऊंगा। क्या पाप और अन्याय की कभी विजय हुई है? देख रावण, ध्यान से देख, आंखें खोल के देख, न्याय की विजय होती है, पराजय होती है न्याय की। तू मेरी शक्ति को नहीं जानता, मुझे तुम कोई साधारण पुरुष समझते हो? ठाकर खोल ले मेरी वीरता का चमत्कार देख। युद्ध में तलवार का जोर दिखाता जाऊंगा, देखना संग्राम में बिजली गिराता जाऊंगा, नाश की पट्टी बनूंगा और चलाता जाऊंगा, काल के सूरत बनूंगा और खाता जाऊंगा। कि तुम्हें अपनी विजय पर इतना ही अभिमान है तो आओ और युद्ध करो।
चावा जब करूंगा जाए तो बिल्कुल आराम से जाए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपने देखा कि हमारी लीला में किस तरीके से रावण का अंत हुआ, कि धर्म पर धर्म की जीत हुई। तो अंकल जी हमारे साथ खड़े, अंकल जी कैसा लगा आपको आज का सीन? आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा है और सभी कलाकारों ने पूरा अपना दिया है जो इसके साथ में, और उन्होंने अपना पूरा का पूरा समय लगाया 10 दिन का, बिल्कुल नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर के आज 10वें दिन तक यहाँ तक पहुँचे हैं। बाल संस्कार से लेकर के बड़े तक, बड़े बुजुर्गों तक का सबका हम बड़े ही आभारी हैं उनके, और उन्होंने जो इतना अत्यंत दृश्य बढ़िया बढ़िया दृश्य दिखाए हैं और डायलॉग डिलीवरी जो उनकी थी देखने लायक, उससे हम तो गदगद हो गए। और जो आज गदगद हो गए हम बहुत, आज के जो युद्ध हुए उसके बारे में क्या ख्याल है? जो मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ था उसके बारे में क्या ख्याल है? आज मेघनाथ और लक्ष्मण जी का जो संवाद था, फिर युद्ध हुआ उसमें उनको शक्ति बाण भी लगा लक्ष्मण जी को, शक्ति बाण मारने और वाला उसके बाद भी जो वहाँ पे अपनी कुल देवी के यहाँ पे जो मेघनाथ जी पूजा कर रहे थे, फिर वहाँ जो उनका जो दृश्य था वो भी युद्ध का भी, वो बहुत ही आनंद में रहा, गदगद हो गए, रोंगटे से खड़े हो गए थे हमारे तो देख के, और डायलॉग डिलीवरी में भी बहुत ही बहुत आनंद, बहुत बढ़िया मजा आया। और हम तो चाहेंगे कि जो भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, वो सब सब्सक्राइब भी कर दें और सभी यहाँ आके अगली बारी में भी ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, सिर्फ यूट्यूब पर ही मत देखो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लाइव आके देखो। लाइव में जो मजा है ना, बहुत तगड़ा मजा। मैं YouTube पे सारी वीडियोस नहीं डालता, कुछ कुछ सीन कट हो जाते हैं, बट जो लाइव आप देखते हो ना, लाइव एक्सपीरियंस का अलग ही मजा है। तो अगली बार जरूर लाइव आना है आपको देखने के लिए, ठीक है? बाकी मैं आपको और कलाकारों से मिलवाता हूँ, यहाँ पे सबकी भावना बताता हूँ कैसे क्या सबको लग रहा है। ये हमारे राहुल भाई, कविता दीदी, ये उनकी मम्मी। कैसा लगा आज का दिन? आज ये वानर बना था, मजा जल गए। और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। राहुल भाई आप क्या कहना चाहोगे? आज हमारी लीला का 10वां दिन था, आज हमने दशहरा महोत्सव बनाया और आज हमारी लीला बड़ी ही प्यारी चली, जिसमें कि आज का मुख्य आकर्षण सीन थे कुंभकर्ण मरण, मेघनाथ मरण, रावण मरण और लास्ट में रावण मरण, और बड़ी ही प्यारी आतिशबाजी हमने की, बड़ी शानदार, जिसको देख के बड़ा आनंद आया। दीदी कुछ कहना है? ये हटा दो कैमरा। ये हमारे प्रवीण भैया, प्रवीण भैया आपको कैसा लगा? भैया हमारी लीला बहुत अच्छी चली और बहुत भव्य आतिशबाजी के साथ हमारे तीनों पुतलों का दहन हुआ, मजा आ गया, मतलब सही है। जय श्री राम। गाइस देखा आपने किस तरीके से हमारा दशहरा ध्यान हुआ, दशहरा बनाया गया। तो होप करते हैं अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। और बाकी कल इसका बढ़िया सीन होने वाला है, कल पता ना कैसा लगा आपको एक्ट और कमेंट्स के अंदर, सीन तो पता क्या भर देना कमेंट्स पर। कल हमारा भरत मिलाप होने वाला है, बहुत बढ़िया। कल भैया राम का वेट करूंगा जिसमें हमारे रोहित भाई रोल करेंगे। तेरे तूने वैसे एक बात बता, तूने लोगों को पैसे दे रखे हैं कमेंट करने के? नहीं तो भाई तेरे नाम के कमेंट बहुत आते हैं भाई। भाई बस वो राम जी कृपा यार आ रहे हैं, तो राम जी की नाम के भाई कमेंट, सारी तुम्हारी कृपा है। हाँ। नहीं भाई हमारी कोई, हम नहीं राम जी के। तो भाई कल का भी व्लॉग है, आज हमारी लीला खत्म नहीं हुई, कल भी हमारा 11वें दिन भी हमारी लीला दिखाई जाएगी, तो कल का दिन भी जरूर ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करना, बिल्कुल जितना ज्यादा कर सकते जितना फैला सको उतना, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट पसंद आया।
कल हम पूरी जान लगा देंगे और आप भी जान लगा देना कमेंट्स करने के अंदर। कल भी मुझे भी राज्य मेरा भी राज्य तिलक होगा तो वो भी देखना जरूरी है। और बाकी अगर यहाँ तक वीडियो देखे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। लाइक का बटन तो फोड़ दे। जय श्री राम।